तुम खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपनी गंदम की फील्ड में। या मेरे पीछे भी देख सकते हैं इनके सारी हमारी गंदम की फील्ड है। ये बोले हम सामने पौंडी लगी हुई है गन्ने और टूबल चल रहा है और वहाँ पर काम हो रहा है यानी कि पूड़ी वगैरह लोड कर रहे हैं और बादल हुए हैं। देख सकते हैं ये हमारी गंदम की फील्ड तो पौंडी लगी हुई। ऊपर से आप देख सकते हैं मौसम की अपडेट ये है कि चारों साइडों पे वेदर ही वेदर है। इनकी वेदर की अपडेट है अभी बादल ही हुए हैं चारों साइडों पे और ये सारा इधर देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है। ग्रीनरी फूल ही फूल हैं सरसों के और इस साइड पे भी देखें आसमान बादल नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं। बहुत ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये सारे गंदम के प्लाट गंदम में गंदम और गन्ने का प्लाट और इधर ये भी देख सकते हैं वहाँ से सारे सरसों के फूल और आज मैं काफ़ी दिन बाद इस साइड पे आया हूँ। सारे आगे भी गंदम की फील्ड अभी मैं जा रहा हूँ साथ में सैर भी कर रहे हैं अपनी फसलों की और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करते हैं। माशाल्लाह फसल हमारे इलाके में सबकी अच्छी खड़ी हुई है और अब फसल में तकरीबन 2 मंथ का टाइम रहता है। 2 मंथ बाद इंशाल्लाह कटाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी रमज़ान के भी 2 मंथ हैं इंशाल्लाह रमज़ान के दरमियान में कटाई स्टार्ट हो जाएगी हमारे इलाके में। तो देख सकते हैं फूल इसका कद छोटा है तो ये मुझसे भी बड़े बड़े हो जाएंगे 10-15 दिन तक। तो ये देख सकते हैं साथ में पुल बनाई हुई है मोगा रखा हुआ है गुजरने के लिए इनके वाटर पानी वाला जिससे पानी गुजरते हैं। और बहुत ही अमेजिंग सीन होता है ये वाला क्योंकि गर्मियों में तो शाम के वक्त ही ज़्यादा मूवमेंट होती है सुबह सुबह के वक्त और सर्दियों के मौसम की ये खासियत अगर मौसम धूप निकली तो आप इजीली अपने खेत में चल फिर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में गर्मी होती है उस तरह ज़्यादा फसलों में चल नहीं सकते तो शाम के वक्त चलना लेकिन शाम के वक्त अब सर्दियों की भी 2-1 मंथ रह गया बाकी। धूप तो अच्छी खासी निकलती है अगर सर्दियों में बादल हो जाए बस या हट हवाएं चल पड़े ठंडी तो समझ लो सर्दी है। अगर धूप निकली हुई है हवाएं नहीं चल रही तो फिर ऐसा लगता है गर्मी। अभी लास्ट टाइम यानी कि 24-25 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर गया है तो गर्मी महसूस होने लग। हाँ ये मेरा बिग व्लॉग होगा मेरी तमाम वीडियो से
सबसे लंबी वीडियो ये वाली होगी। आपको दिखाते हैं ये सारा सीन भी साथ में। अब शाम का वक्त है तो सर्दी लगती है, इसलिए मैं अपनी अपर साथ लेके आया हूँ। और ये बिल्कुल हमारा जो ये वाला प्लाट है हमारे विलेज से बाहर है, साइड पे विलेज। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही गंदम की फसल अच्छी खड़ी हुई है। ये वहाँ जहाँ सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं, ये सारे प्लाट गंदम के हैं। ये साथ वाले भी सारे प्लाट हमारे गंदम के। ये देख साइडों पे हमने इनके सरसों लगाई हुई है, फूल ही फूल हैं। और ये सामने कमांद है गन्ने, इसका हम कुछ दिनों बाद गुड़ निकालेंगे। सामने टूबल चल रहा है हमारा, वहीं आपको टूबल पे ले चलते हैं। लेकिन गुजरने के लिए रास्ता है। और सामने काम हो रहा है, तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। फूल ही फूल है, बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ये अभी हम जा रहे हैं जी ट्यूबवेल पे। और सर्दियों में पानी बहुत ही गर्म होता है ट्यूबवेल का, गर्मियों में ठंडा होता है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। सतह समंदर अंदर पे भी देख सकते हैं आप पानी कड़वा होता है। और ये ज़ेर ज़मीन है जो पानी माशाल्लाह मीठा निकल गया। हमारे यहाँ 30-40 फुट पे मीठा पानी निकला, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। काफ़ी दिनों बाद बहुत ही प्यारा व्यू है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ये मुझे ज़्यादा।